ओके सो गाइस सर कैसे हो सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस बढ़िया रहना। सो आज के इस वीडियो में ना सचिन वर्मा जैसा वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। इनके वीडियो में जो पीछे का बैकग्राउंड है ना पूरी तरीके से ब्लैक है, तो कैसे आपको अपने वीडियो का बैकग्राउंड पूरी तरीके से ब्लैक करना है वो भी बिना पर्दे का। तो अगर आपके पास ब्लैक वाला पर्दा नहीं है तो वीडियो को पूरा देखना, बिना पर्दे का बता दूंगा कि कैसे आपको इस टाइप का वीडियो का बैकग्राउंड जो कि ब्लैक करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे ना हम कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर में कैपकट एप्लीकेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं करोगे तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के लास्ट बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड इसको चलाने के लिए ना एक वीपीएन का जरूरत पड़ेगा, तो आपको प्ले स्टोर में जाकर सिक्योर वीपीएन को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से हम कैपकट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फिर ओपन करने के बाद शो करेंगे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने बाद गई सर यहाँ पर आपकी सारी वीडियो वगैरह शो करेंगे। तो यहाँ पे एक हमको इमेज चाहिए, वो भी एकदम ब्लैक वाला, ठीक है। तो कैसे चाहो तो आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप डाउनलोड करना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। देन ऊपर शो करके यहाँ पर स्टॉक वीडियो का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। टिक करने बाद यहाँ पर जो मोबाइल का आपका डाटा है इसको ऑन करना, ठीक है। ऑन करने के बाद गई सर यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से ना एक आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शो करेगा सेकंड नंबर पे ब्लैक बैकग्राउंड, इस पर आपको टिक करना होगा। देन ऐड पे टिक करके यहाँ पे ना ब्लैक वाले बैकग्राउंड को ले लेना होगा, ठीक है। लेने के बाद गई सर यहाँ पे ना देख सकते हो इस टाइप से, मतलब कि यूट्यूब का रेशियो है, तो यहाँ पे हमको एकदम सीधा सीधा करना है इसको, ठीक है। तो उसको सीधा करने के लिए यहाँ पे शो करेगा रेशियो का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपको टिक करके आप यहाँ से 9 और 16 पे क्लिक कर देना। क्लिक करके गई सर यहाँ पे ना सीधा सीधा ये वाला बैकग्राउंड हो जाएगा। देन आपको लास्ट में जाना होगा, यहाँ पे ना एक ब्लैक बैकग्राउंड शो करेगा जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको आप डिलीट करना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। डिलीट करने के बाद गाइस अब इसका लेंथ ना कुछ इस प्रकार से आपको 10 या 12 सेकंड, ठीक है, जितना वीडियो का लेंथ रहेगा आपको यहाँ पे इसका लेंथ कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 सेकंड इसका लेंथ कर लिए हैं। करने के बाद अब यहाँ पे आपको वीडियो को लेना होगा, ठीक है। तो वीडियो को लेने के लिए आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आ जाना होगा, ठीक है। वीडियो को ले लेते हैं, यहाँ पे शो करेगा नीचे ओवरले का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके एड ओवरले पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम नॉर्मल से वीडियो को ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा भाई ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लिया है, तो वीडियो कुछ इस प्रकार से नॉर्मल सा है, ठीक है। जो इसका बैकग्राउंड है ना हरा भरा है लेकिन ब्लैक नहीं है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम पूरी तरीके से ब्लैक करके आपको दिखाने वाला हूं, तो कुछ इस प्रकार से पकड़ के इसका पहले फुल स्क्रीन कर लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फुल स्क्रीन गई सर करने के बाद गई सर यहाँ पे आपको करना क्या होगा गई सर, अगर आपका गई सर ऊपर वाला लेयर ज्यादा हो गया तो आप यहाँ से कट लगाना, एक्स्ट्रा पार्ट को आप कुछ इस प्रकार से डिलीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों लेयर है ना ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो दोनों लेयर सेम है, अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा, ठीक है। तो आने के बाद यहाँ पे इतना काम हो चुका है, अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको हम ब्लैक करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको नीचे वाले वीडियो टिक करना होगा, जो आपका वीडियो रहेगा आप क्लिक करना, क्लिक करने बाद जैसे इधर स्लाइड करोगे यही पे शो करें कट आउट का ऑप्शन दिया गया सर। अगर ओल्ड वर्जन आपका कैपकट है तो शो करें रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन वो या कट आउट ऑप्शन सेम वही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कट आउट का ऑप्शन शो करें मेरे में, इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करेंगे, ठीक है। तो गाइस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना रिमूव बैकग्राउंड, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद गई सर यहाँ पे ना बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गई सर यहाँ पे ना कुछ परसेंटेज शो करेगा, थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 100% होगा, थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता था, आपको 100% वेट करना होगा। मेरा यहाँ पे एक क्लिक में हो चुका है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ ना, तो गई सर देख सकते हो पहले बैकग्राउंड कुछ था, अब बैकग्राउंड देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एकदम सा, मतलब कि ब्लैक हो चुका है कुछ इस प्रकार से। गाइस एक क्लिक में आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जब वीडियो आप शूट करना हो तो किसी एक कलर का बैकग्राउंड के पीछे आपको वीडियो शूट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हरा भरा था तो कट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस अपने वीडियो का बैकग्राउंड आप एकदम से ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस वीडियो पे आप टिक करोगे, आपको ना इसको कहाँ पे लगाना है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा आप कर सकते हो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, हट चुका है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस वीडियो का बैकग्राउंड ब्लैक किया जाता है। गाइस अगर आपके पास पर्दा नहीं है तो कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे वीडियो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। म्यूजिक वगैरह ऐड करना था, आप यहाँ से ऐड ऑडियो पे टिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर शो के लिए यहाँ पे क्वालिटी सबसे पहले क्लिक करना होगा, ठीक है। बहुत लोग करते हैं कि यहाँ की 720 पावर में सिलेक्ट करके गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता था, आपको यहाँ पे ना हाई क्वालिटी मतलब 1080 में वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। देन यहाँ पे क्लिक करके गई सर वीडियो को आप आसानी से HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कैपकट ना आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, मैं पिन कर दिया हूँ ऊपर में ही, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, सबसे पहले आप उस पर टिक करके ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद गई सर आप कैपकट मोड APK फ्री में डाउनलोड कर सकते हो।